हेलो व्यूअर्स, आई एम साजिद महमूद, यू आर वॉचिंग पाकटाइल। आज हम आपको बताएंगे कि आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है या नहीं हो सकता, या जो हम यूट्यूब में वीडियोस देख के हमें दिखाई जाती हैं, जो व्हाट्सएप हैक कैसे किया जाता है, व्हाट्सएप कैसे हैकिंग होता है, क्या वाकई ही व्हाट्सएप पे हैक हो जाता है? क्या आपकी पर्सनल चैट, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियो जो आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करते हैं, क्या वो आपकी इंफॉर्मेशन हैक हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो कैसे, अगर नहीं हो सकती तो कैसे? इससे पहले हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइबर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, वीडियोस, मोबाइल की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़, मोबाइल फ़ोन से ऐसी अनबॉक्सिंग एंड टेक न्यूज़ की अपडेट्स मिलती रहे। जी व्यूअर्स, हम फाइनली बात करते हैं आपसे कि आपका व्हाट्सएप है जो वो हैक हो जाता है या नहीं हैक हो जाता। व्हाट्सएप से देखिए, बेसिकली काफ़ी तरीके से हैं। हमने जैसा हमने बताया, यूट्यूब में दिखाया जाता है कि दो तरीक़ों के साथ दिखाया जाता है आपको कि व्हाट्सएप हैक करने से, जो यूट्यूब वीडियो में दिखाए जाते हैं उनमें एक तरीका दिखाया जाता है QR कोड के ज़रिए, दूसरा एक ऐप के ज़रिए बताया जाता है कि इस ऐप से आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। देखें जी, सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका व्हाट्सएप हैक होता है तो इसकी काफ़ी हद तक वजूहत आप खुद होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इंटरनेट की दुनिया में व्हाट्सएप हैक, या इंटरनेट में कोई भी एप्लीकेशंस है, चाहे वो बैंक सिक्योरिटीज़ हैं, चाहे वो आपकी कोई भी अदारा है, कितना ही सिक्योर है, इंटरनेट में किसी हद तक जाके वो हैक हो जाती है। लेकिन वो इतनी आसान नहीं होती, ये बात नहीं है कि वो हर इंसान कर सकता है। जो प्रोफेशनल हैकर होते हैं, प्रोफेशनल से भी प्रोफेशनल हैकर होते हैं, वो ही कर सकते हैं, और वो भी एक टीम वर्क में, यानी कि वो एक 10-15 बंदे हैकर हम मिलके वो, या 5 हैकर हम मिलके वो टीम वर्क में कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपकी कोई चीज़ हैक हो जाए। व्हाट्सएप एक फेसबुक की प्रोडक्ट्स है, तो हम देखते हैं कि फेसबुक को कितना सिक्योर किया जाता है, व्हाट्सएप को भी उतना ही सिक्योर किया जाता है। ये पॉसिबल नहीं है कि व्हाट्सएप भी इतनी आसानी के तरीके के साथ हैक हो सके। आपका व्हाट्सएप, आपको लगता है हैक हो गया या हैक कैसे हो सकता है, इसकी तफसील हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट्सएप तरीके के साथ हैक पॉसिबल है, नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। वो है ऐप, जो आपकी ऐप है, जो आप ऐप इस्तेमाल ऐप है, मार्केट्स में बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको कैमरे की लाइव स्ट्रीमिंग, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोस, आपकी मैसेज चैट्स, आपकी व्हाट्सएप चैट्स, आपकी फेसबुक मैसेंजर चैट्स, आपकी टिकटॉक, हर चीज़ की एक्सेस आपकी मोबाइल के अगले बंदे को दे जाती है। लेकिन इससे, ये एक्सेस जाने से पहले एक बार मोबाइल का उस बंदे के पास कम से कम 2 मिनट तक रुकना ज़रूरी है। कि अगर आपका मोबाइल उसके पास 2 मिनट का के लिए रुकता है, फिर वो ये चीज़ें आपके मोबाइल में कर सकता है, ऐप को करके हिडन कर सकता है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपके एक्सेस कर सकता है। अगर आपका मोबाइल उसके पास नहीं जाता, अगर कोई नहीं 2 मिनट के लिए रोक सकता, तो वो ऐसा कोई भी नहीं करता। आपके अकेले कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर किसी ने दिया, जी मेरा 9178600 समथिंग नंबर है, अगर आपके पास किसी का नंबर है, उस नंबर से आपके व्हाट्सएप हैक करने पॉसिबल नहीं है, आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता। ऐप है उसके लिए व्हाट्सएप नहीं, बल्कि आपकी तमाम चीज़ें, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, उससे आपके मतलब वो तमाम मोबाइल पे कंट्रोल उसका चला जाता है। वो उसका ही कंट्रोल जाता है जिसने आपके मोबाइल में ऐप करके हिडन की होती है, वो ये सब कुछ कर सकता है, आमदा नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आप QR कोड जो होता है उसका मैं बता दूँ कैसे हैक होता है। QR कोड बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है जो आपको व्हाट्सएप ने दी हुई है, ये एक सर्विस है व्हाट्सएप की, कि अगर आप अपना व्हाट्सएप अपने PC में चलाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ईजी हो के अपना व्हाट्सएप अपने PC में, डेस्कटॉप PC में भी, लैपटॉप कंप्यूटर में भी चला सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा WhatsApp.com लाइव पे, वहाँ पे जाके आपको QR कोड स्कैन करना होगा, सिंपली आपका मोबाइल आपके लैपटॉप से एक्सेस हो जाती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आपका जो व्हाट्सएप है उसको को QR कोड स्कैन कर लेते हैं, और जब आप QR कोड स्कैन कर लेते हैं उसके बाद आपको नहीं मालूम होता, जब तक आपका मोबाइल किसी के हाथ नहीं जाएगा, आपके मोबाइल के साथ कोई भी हैकिंग का प्रोग्राम नहीं हो सकता। अब मोबाइल उस बंदे के पास जाएगा, उस बंदे ने आपके मोबाइल से आपका QR कोड स्कैन कर लिया, तो मतलब आपकी एक्सेस उसके मोबाइल में चली गई है।
अब जब तक चाहे आपका मोबाइल आपकी व्हाट्सएप चैट कर भी सकता है और देख भी सकता है, लेकिन अगर करेगा उसका मैसेज आपके पास भी शो होगा ये कि ये चैट हो रही है लेकिन मैं नहीं कर रहा। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए, वहाँ पे ऑप्शन होगा एक व्हाट्सएप वेब का, आप देखिए जब वहाँ पे अगर तो QR कोड स्कैन का ऑप्शन आता तो आप समझ लें आपकी कोई भी हैकिंग नहीं हो रही। अगर आपके वहाँ पे लिखा आता है कि आपके गूगल क्रोम में ऑलरेडी लॉगिन है आपका अकाउंट, तो उसमें लॉग आउट टू ऑल कर दें, इसके बाद आपका कोई एक्सेस नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल सिक्योर हैं और आप इसको देखते रहा करें अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका व्हाट्सएप हैक नहीं है। और नंबर से ये कुछ मालूम थी व्हाट्सएप पे हैक करने की, जो अमूमन यूट्यूब में वीडियोस भी देखते हैं हम आती हैं, तो हमने तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि आपका व्हाट्सएप किस तरह हैक हो सकता है किस तरह नहीं हो सकता। अगर आपके नंबर से कोई व्हाट्सएप हैक कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है उसके लिए टीम का होना ज़रूरी है, बहुत हाई प्रोफेशनल हैकर होना ज़रूरी है, फिर कहीं जाके काफ़ी वक्त के बाद जाके आपकी इसको एक्सरसाइज करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके अबाउट मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी न्यूज़ और टेक न्यूज़ और मोबाइल एक्सेसरी अनबॉक्सिंग रिव्यू आती रहे। ये वीडियो रेकमेंड की या पाकटेल डॉट पीके से जहाँ से जाके आप अपनी मोबाइल एक्सेसरीज तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपना अपने गिरद लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने होस्ट साजिद महबूब के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।